आप सबका स्वागत है। ये कट एंगल वर्सेस अंडरटेकर बहुत ही अच्छा मैच रहा था उस समय का, आज भी है। ये क्रिस जेरिको का फोटो डाउनलोडिंग में मैंने पहले ही बताया था कि ये हेयर कम्स द पेन में कभी फोटो दिखाते हैं, कभी हाउ टू प्ले दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा रहा ये कट एंगल। यू सक बहुत अच्छा रहा था उस समय कट एंगल, उस समय बहुत अच्छे प्लेयर थे। जॉन सीना के पहले आए हुए हर प्लेयर बहुत अच्छे रहे हैं, या तो रॉक रहे, या तो ब्रॉक लेसनर, या तो कर्ट एंगल रहा, या खुद अंडरटेकर रहा। अंडरटेकर को आजकल उतना फुटेज मिलता नहीं है जितना पहले मिलता था, लेकिन तभी भी आज जॉन सीना पे आज ज़्यादा फुटेज मिलता है। चलिए मैं जॉन सीना के बारे में बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा या फिर कभी बात करूँगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए कर्ट एंगल वर्सेज दी अंडरटेकर। ये कर्ट एंगल अभी के WWE चैंपियन रह चुके हैं, हाँ ये रह चुके थे 2002 में ही बने थे ये चैंपियन WWE ब्रॉक लेसनर को हराते हुए। इनका ब्रॉक लेसनर का बहुत ही अच्छा चलता था मैच। ये अंडरटेकर आ रहे हैं बाइक से, ये शायद बाइक से ही आएंगे, आ गए बाइक से। ये अंडरटेकर का बाइक बहुत ही अच्छा बाइक रहा था उस समय, लेकिन पता नहीं इस गेम में इतनी अच्छी बाइक क्यों नहीं दिखाई। इससे अच्छी बाइक तो शट योर माउथ में थी अंडरटेकर की, कम से कम कुछ लगती भी थी। ये पूरी प्योर ब्लैक बाइक है, वहाँ पे स्टील भी लगता था ये शट योर माउथ में। अंडरटेकर का जो गेम, हमारा जो गेम था WWE PS2 शट योर माउथ, उसमें बहुत ही अच्छी थी बाइक, लेकिन थोड़ी सी अच्छी ग्राफिक्स नहीं थी शट योर माउथ की। इसकी ग्राफिक्स बहुत अच्छी है, बहुत ही उम्दा ग्राफिक्स है इसकी। इसको हर बच्चा खेलना चाहेगा, इसको हर बंदा देखना चाहेगा। इसमें बहुत ही अच्छी फाइटिंग होती है, 2-1 vs 1 बहुत ही अच्छी फाइटिंग में मैं और मेरा दोस्त खेलता हूँ हमेशा 1 vs 1। मेरे पास एक जॉयस्टिक भी है, और ऐसे मैं PC X2 से चलाता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से मेरा दोस्त जॉयस्टिक से खेलता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये मुझे 2010 और 2011 से भी अच्छा लगता है हेयर कम्स द पेन। अब ये मैच स्टार्ट है, मैंने बताया था ना ये लोडिंग, कभी हाउ टू प्ले कभी फ़ोटो दिखाता है। आजकल के गेम में कुछ नहीं दिखाता है, सिर्फ या तो फ़ोटो दिखाएगा। 2012 में WWE 12 में फ़ोटो दिखाया, 13 में भी फ़ोटो दिखाया, 10 में दिखाया इवेंट्स का क्या हुआ, उससे हमको क्या मतलब है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा एक लात मारते हुए गिरते हुए ये पीछे से बहुत अच्छा सबमिशन करते हुए कट एंगल बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनके सारे गोल्स बहुत अच्छे हैं। ये क्या बहुत ही अच्छा जर्मन सुप्लेक्स देते हुए फिर उठाते हुए अंडरटेकर को, ये अंडरटेकर को पकड़ते हुए फिर बहुत ही अच्छा बेली टू बेली सुप्लेक्स देते हुए, ये जो बहुत ही फुर्तीले हैं कट एंगल अपने जितने भी कंपटीशन हैं उन्हें अपने आप को छूने में देखते हैं। फिर उसके बाद जल्दी से जैसे कोई पकड़े या फिर कोई होल्ड में आ जाए तो कट एंगल तुरंत निकलते हैं, बहुत ही फुर्ती है इनमें, इनका मैच बहुत ही अच्छा रहता है कट एंगल का। ये कट एंगल को मारते हुए फिर कट एंगल को पकड़ते हुए ये मारा विंटेज अंडरटेकर, बहुत ही कस के मारा। ये शायद अभी उठाएंगे, हाँ ये उठा रहे हैं कट एंगल को, उठा के मारे पेट पे, फिर काउंटर किया, बहुत अच्छा काउंटर किया कट एंगल ने। फिर कट एंगल ये क्या कट एंगल बहुत ही अच्छा चेक करते हैं, ये वो चेक था कट एंगल का, ये बहुत चिकन विंग स्विंग्स था। ये क्या बहुत ही अच्छा सबमिशन है सामने से नेक सबमिशन करते हुए, क्या ये सबमिशन कर पाएंगे। ये पकड़े हुए हैं अंडरटेकर को भी, ये पूरा चोकिंग कर रहे हैं प्योर इन पूरा एकदम नस से पूरा नस पकड़ के इनका नस दबा के एकदम ख़त्म कर देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। अंडरटेकर कोई कम फुर्ती वाले नहीं है, अंडरटेकर का शरीर बड़ा है लेकिन शरीर भी इतना चलता है जितना चलना चाहिए, बहुत ही अच्छा चलता है, ताकत भी है अंडरटेकर को, फुर्ती भी है। ये फुर्ती की बात हुई थी अभी कट एंगल फिर आता है और फिर चिकन विंग्स स्लैप देते हुए, फिर चिकन विंग देते हुए फिर उठा के फिर शायद ही अब पिन करना चाह रहे हैं। एक के बाद अंडरटेकर उड़ गया, अंडरटेकर चाहते नहीं कि नहीं ये मुझे कोई करे इतनी जल्दी। ये बहुत ही अच्छा स्कूट स्लैम देते हुए कट एंगल अंडरटेकर से, अंडरटेकर काउंटर करते हुए फिर ये बहुत ही अच्छा रहा ये मैच, ये काउंटर करते हुए। ये कट एंगल के पास जितना भी अपना ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है क्या उनका ओरिजिनल है, मुझे तो नहीं लगता है। जैसा गेम में चीटिंग किया करते थे अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर की, देखिए चीटिंग क्या कर रहे हैं, फिर पकड़े फिर मारे फिर ये चेकिंग करते हुए फिर पकड़े फिर पीछे से आए फिर पीछे से बहुत ही अच्छा बैक सुप्लेक्स देना चाहते हैं, दे दिए बैक सुप्लेक्स देते हुए सर पे लगी अंडरटेकर को, फिर अंडरटेकर उठ के मारे फिर अंडरटेकर पकड़े, फिर अंडरटेकर इस बचे देंगे, लेकिन अंडरटेकर कोई बात नहीं, अंडरटेकर को उठाया फिर अंडरटेकर को पकड़ा, बहुत ही अच्छा गट बस्टर देते हुए अंडरटेकर को बहुत ही अच्छा गटबस्टर देते हुए रिप्ले के साथ ही, ये हेयर कम कपिंग में रिप्ले था, ये बहुत फिर से वही चौकिंग करते हुए
स्टॉकिंग के गले में चोक करते हुए कट एंगल का ये जो ब्लू ब्लू जो बढ़ रहा है वो बढ़ते हुए कि हाँ भाई मेरे पास पावर आ रहा है, मेरे पास फिनिशर्स आ रहा है, ये फिर से उसका चुप करते हुए। ये अंडरटेकर भी कोई आम खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। ये बॉलीवुड में भी आ चुके हैं, भले वो नकली हो या असली हो, उसको क्या मतलब है, लेकिन एंटरटेनमेंट तो था, आज भी एंटरटेनमेंट हो रहा है। बहुत ही अच्छा सुप्लेक्स देने के बाद ये करना क्या चाह रहे हैं, ये फिर से वही करना चाह रहे हैं नेक चुप देते हुए। शायद ही रोप ब्रेक हो जाए, रोप ब्रेक हो गया, मैं कह रहा था शायद ही रोप ब्रेक हो जाए क्योंकि वो रोप के पास था। फिर अंडरटेकर उठाते हुए, फिर अंडरटेकर बहुत ही अच्छा काउंटर करते हुए अंडरटेकर मारते हुए, फिर अंडरटेकर पकड़ के मार रहे थे, पकड़ के मारना अंडरटेकर का बहुत अच्छा लगता था मुझे पहले। ये फिर सब मारते हुए फिर पकड़े फिर घुमाए, फिर शायद DDT हो जाए। ये DDT है बहुत ही अच्छा DDT था अंडरटेकर का। फिर अंडरटेकर पकड़े, फिर अंडरटेकर उठाए। ये अंडरटेकर करना क्या चाहते हैं, नहीं अंडरटेकर को काउंटर करते हैं, फिर कट एंगल पकड़े, फिर बहुत ही अच्छा बिग बूट था अंडरटेकर का। फिर कट एंगल काउंटर करते, फिर अंडरटेकर काउंटर करते, फिर कट एंगल काउंटर करते हुए बहुत ही फुर्ती है इस गेम में पूरे, बहुत ही अच्छा आर्म ड्रैग रहा। ये क्या, ये पिन भी करना चाह रहे हैं, 1-2 ये काउंटर करते हुए अंडरटेकर बहुत ही अच्छा काउंटर करते हुए, काउंटर नहीं कर पाते तो शायद ही हो जाता, मुझे लगा कि ये पिन हो गया। ये बहुत ही अच्छा नेक ब्रेक देते हुए अंडरटेकर के पास इतनी फुर्ती है कि ये देखिए चीटिंग करते हैं। ये बहुत ही अच्छा जर्मन बैक सुप्लेक्स था, जर्मन बैक सुप्लेक्स पिछले मोड भी बहुत अच्छा दिया करते थे, ट्रिपल जर्मन बैक सुप्लेक्स दिया करते थे क्योंकि अब वो थे ही रह गए। अब ये क्या काउंटर करते हैं जर्मन बैक सुप्लेक्स, ये पूरा फुर्ती में आते हुए ये सबमिशन देते हुए, शायद ये रोप ब्रेक हो जाए। हाँ ये रोप ब्रेक हो जाएगा, ये रोप ब्रेक हो गया। ये बहुत ही अच्छा मारे, बहुत ही अच्छा मारे अंडरटेकर सब मारे, उसके बाद शायद ये क्या पीछे से फिर ये सबमिशन में डालते हुए, ये सबमिशन नेक सबमिशन करते हुए अंडरटेकर की, फिर ये मारे, नहीं ये सुप्लेक्स नहीं, बैक सुप्लेक्स होना चाह रहा था लेकिन नहीं, ये काउंटर करते हुए फिर बुक मारे, फेस पे लगा नहीं लेकिन बहुत ही पंच किया होगा उनके सर पर, कोई फेस पे लगता नहीं है लेकिन पंच करता है वैसे। फिर अंडरटेकर क्या कहते हैं, फिर कुछ बोले उसके बाद फिर बिग बूट मारे। ये अंडरटेकर का बहुत ही अच्छा मूव रहा था, हियर कम्स द पेन में बोल के मारने में, फिर काउंटर करते हुए उसके बाद फिर अंडरटेकर फिर पीछे से बहुत ही अच्छा जर्मन बैक सुप्लेक्स रहा। अब ये सब में दर्द करेगा जरूर, ये क्या, ये फिर सबमिशन, ये सबमिशन, इनको सबमिशन बहुत प्यारा लगता है, इनका सबमिशन सिग्नेचर मूव रहा है हमेशा, कोई भी सबमिशन मिलता है उठा कर देते हैं कट एंगल। अपने ओलंपिक्स गेम में यही सीखे होंगे सबमिशन करना, ये पीछे से स्कूप स्लैम देना फिर पकड़ के फिर जर्मन बैक सुप्लेक्स, यही ट्रिपल बैक सुप्लेक्स में बता रहा था कि किस बिन्योट भी करते हैं, ये अब कट एंगल भी कर रहे हैं, ये शायद अब शायद दे रहे, यही है एंगल स्लैम, यही है एंगल लैक, यही है एंगल लॉक, यही एंगल लॉक देते हुए बहुत ही अच्छा एंगल लॉक है। ये एंगल लॉक से कितनी की पैर इंजरी हुई रियल लाइफ में, यही मैं बता रहा था कि SCTV में बहुत ही अच्छा दिखाया गया है लॉक को पकड़ने के बाद रोप पकड़ते हुए। ये ना हियर कम्स द पेन के अलावा ना इसमें था, सत्यम मौत में था, ना JBI में था, इसके बाद से आया गया है। फिर ये मारे, फिर पकड़ के मारा, फिर अंडरटेकर मारे, फिर काउंटर, नहीं काउंटर होते हुए अब क्या करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा ये छोटा सा FU है, ये FU नहीं बोला जा सकता है, इसको थोड़ा सा छोटा सा, मैं इसको जॉन सीना करता हूँ तो मैं इसे FU बोलता हूँ, छोटा सा FU, लेकिन कोई बात नहीं। ये क्या, ये गलती से उन्होंने रेफरी को मार दिया। अब ये कुछ भी हो सकता है इस गेम में, शायद अब कोई स्टील उठा ले, शायद ही स्टील उठा ले, नहीं इन्होंने स्पाइन बस्टर किया, बहुत ही अच्छा स्पाइन बस्टर रहा। फिर ये सबमिशन करना चाह रहे हैं, ये सबमिशन करने के बाद करना क्या चाह रहे हैं, क्या ये इनका गला आज मोड़ यहीं देंगे। इनका 3 सबमिशन अंडरटेकर का 1 चोक स्लैम के बराबर है, बस एक बार चोक स्लैम तो मिल जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं खेलता तो इनको मैं बता देता कि आज मैं एक आपका ये 3 स्लैम 1 चोक स्लैम के बराबर था। एक बूट के बाद बहुत ही अच्छा जर्मन सुप्लेक्स, ये 3 बार ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स देते हुए अंडरटेकर को आज ये कमर पे चोट लगती है, कमर पीली होती हुई, ये बहुत ही अच्छा सबमिशन। मैं बता रहा था इन्हें हर चीज़ में सबमिशन चाहिए, हर मूव में इनके सबमिशन रहता है, ये यहीं सीखे ही हैं अपने गोल्ड मेडलिस्ट से। ये क्या, बहुत ही अच्छा मारते हुए, ये बहुत ही अच्छा विंटेज अंडरटेकर मारते हुए, अपने सब पे चोट लग गया बेचारे को। ये क्या, पीछे से फिर ये जर्मन सुप्लेक्स देंगे, बहुत ही अच्छा जर्मन सुप्लेक्स रहा है। इसमें कैमरा एंगल की कमी रही है SCTP में, लेकिन बहुत ही अच्छी गेम थी,
अगर कैमरा एंगल को भुला दिया जाए, अगर कैमरा एंगल को थोड़ा कम कर दिया जाए या फिर नहीं देखा जा सकता था, तो बहुत ही अच्छी मूव्स भी थी जो बाद में काट दी गई रोप ब्रेक होते हुए, ये लेग को पकड़ के रोप ब्रेक करवाते हुए। अब ये शायद डीडीटी हो, डीडीटी नहीं है, बहुत ही अच्छा फ्लाइंग लैरियट था अंडरटेकर का। ये बहुत ही अच्छा चोक होल्ड है, चोक होल्ड करते हुए अंडरटेकर बहुत ही अच्छा करते थे, अब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, ये पहले बहुत अच्छा करते थे। ये क्या फिर पकड़ते हुए फिर मारते हुए फिर चिकन विंग स्विप देते हुए अंडरटेकर को, फिर अंडरटेकर काउंटर करते हुए अंडरटेकर मारते हुए फिर अंडरटेकर ने मारा फिर कटेंगल ने काउंटर किया, बहुत अच्छा काउंटर किया, ये बहुत ही अच्छा काउंटर, फिर कटेंगल ने काउंटर किया। ये दोनों बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं, फुर्ती दोनों में है, ये दोनों शायद ही, ये दोनों अगर कोई भी जीते मुझे दोनों ही कैच बहुत अच्छे लगते हैं। ये फिर अच्छा सा छोटा सा एफ यू, इसे छोटा एफ यू बोला जाता है, जॉन सीना इसी से सीखे हैं। ये बहुत ही अच्छा बेली टू बेली सुप्लेक्स था, बहुत ही अच्छा बेली टू बेली सुप्लेक्स था। ये अंडरटेकर काउंटर करते हैं, फिर अंडरटेकर उन्हें आयरन स्वीप करते हैं, फिर अंडरटेकर को भगाते हैं, भाग जाओ हम निकल, फिर अंडरटेकर क्लोज लाइन करते हैं। ये मैं छोटा छोटा क्या बोल देता हूँ, ये अंडरटेकर में स्ट्राइक करते हैं, हाथ हेड स्ट्राइक करते हुए टकला फूट जाता है इनका, अगर एक बॉल स्ट्राइक हो जाता। मैं जब खेलता था तो मैं खेलता था दोस्त के साथ, बोलता था मैंने तुम्हारा टकला फोड़ दिया, एक बार लाल कर दो उसके बाद मार के खून निकाल दो, तो मैंने बोल दिया तुम्हारा टकला फोड़ दिया। उसके बाद बहुत ही अच्छा स्ट्राइक करते हैं, फिर वहीं स्कूप स्लैम देते हुए अंडरटेकर को, फिर अंडरटेकर अरे फिर वहीं सबमिशन करते हैं, फिर वहीं सबमिशन से क्या फिर रोप ब्रेक हो गया, रोप ब्रेक, ये हमेशा रोप के पास सबमिशन करते हुए शायद अब मिल जाए। बहुत ही अच्छा चोक स्लैम है, मैं यही बता रहा था कि ये चोक स्लैम बहुत ही विंटेज अंडरटेकर है, मैं क्या बताऊँ, विंटेज अंडरटेकर बोलूँ ये चोक स्लैम बोलूँ, ये तीन नेक ब्रेकर्स के बराबर है ये चोक स्लैम, फिर ये एक, ये दो, ये रोकते हुए शायद अभी भी थोड़ी दम बची हुई है कर्ट एंगल में, लेकिन शायद ही मैच अब चल पाएगा चिकन विंग्स जितते हुए, शायद कोई अब अंडरटेकर बचे या कर्ट एंगल बचे, ये सबमिशन करते हुए शायद ये सबमिशन हो जाए, सबमिशन शायद हो जाए, उनके सर पे भी अब ब्राउन छा गया है, ऑरेंज छा गया है, शायद सबमिशन कर दे, शायद ये कवर कर दे, क्योंकि मैं जानता नहीं क्योंकि ये कॉम वर्सेस कॉम चल रहा है, ये रिप हो गया, मैं बता रहा हूँ सबमिशन कर दिया, सबमिशन कर दिया, कर्ट एंगल जीत गए। ये कर्ट एंगल अच्छी तरह से जीतते हुए अपनी जीत प्राप्ति के बाद थोड़ा नाचेंगे जैसे नाचते हैं कर्ट एंगल, शायद नहीं अभी नहीं, जैसा अब सीजन मोड में नाचते हैं। कर्ट एंगल जीतते हुए अंडरटेकर से शायद ही जीते, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, कर्ट एंगल टीएनए में यह नाचते हुए देखिए नाच रहे हैं, ये टीएनए में पहुंच, अभी कर्ट एंगल टीएनए में है, अंडरटेकर अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में है, बहुत ही लॉयल है अंडरटेकर, टीएनए इन्होंने टीएनए पकड़ लिया है, टीएनए से चलती है।